अमेठी से स्मृति ईरानी को उतारा गया है, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी एक बार फिर से उतारा गया है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश के गुना से उतारा गया है चुनावी मैदान में। सर्बानंद सोनोवाल को उतारा गया है असम के डिब्रूगढ़ से, और साथ ही साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर के उधमपुर से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। मनसुख मांडविया को गुजरात के पोरबंदर से टिकट दिया गया है, और इसके अलावा किरेन रिजिजू अरुणाचल प्रदेश वेस्ट से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। इनके अलावा राजस्थान के जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत को भी टिकट दिया गया है। अजय मिश्रा टेनी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से इन्हें टिकट दिया गया, और इनके नाम को लेकर के हमला भी बोला जा रहा है बीजेपी के ऊपर। इसके अलावा अलवर से भूपेंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो ये वो अहम मंत्री हैं जिन्हें की लोकसभा चुनाव में उनका टिकट कन्फर्म कर दिया गया, उतार दिया गया है। जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, 195 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है, कई अहम मंत्रियों को टिकट मिला है, क्या कुछ खास अगर इस टिकट बंटवारे में देखा जाए तो आपको दिखता है? उत्तर प्रदेश में लगभग 40 से ज्यादा जो मौजूदा सांसद है उनको तो टिकट दिया गया है, लेकिन अन्य राज्यों में जहां पर टिकट मिला वहां बड़ी संख्या में सांसदों को टिकट काटा गया है जो मौजूदा सांसद है। ये संख्या लगभग 3 दर्जन के आसपास है, और जिसमें 3 मौजूदा मंत्री भी हैं, चाहे रामेश्वर तेली हो असम में हो, प्रतिमा भौमिक त्रिपुरा में हो, या मीनाक्षी लेखी दिल्ली में हो। तो कई सांसदों को यूपी में पार्टी ने अभी तक जो पहली लिस्ट है उसमें बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लिया है, लेकिन बाकी सभी जगह चाहे मध्य प्रदेश हो या फिर झारखंड हो, असम हो या फिर दिल्ली हो, ऐसे कई राज्यों में मौजूदा सांसदों का टिकट काटा गया है, यानी परफॉर्मेंस के आधार पर उनका परफॉर्मेंस बेहतर नहीं रहा इसलिए टिकट काट दिया। अब 6 तारीख को दूसरी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, और माना जा रहा है 7 या 8 को जब दूसरी सूची आएगी उसमें और बड़ी संख्या में सांसदों के भी टिकट कटेंगे और मंत्रियों के भी टिकट कटेंगे। पार्टी को पूरी कह सकते हैं कि ठोक बजा के ही टिकट दे रही है, चाहे वो सांसद हो या मंत्री हो। इस बीच में अलायंस की बात हो, 5 तारीख को TDP के साथ भी अलायंस की औपचारिक घोषणा होने की संभावना है। जयंत चौधरी के साथ कल हो गई है, TDP के साथ 5 तारीख को हो जाएगी। बाकी जो बिहार में जो सीटों का है इक्वेशन, उसमें 17-17 सीटों पर नीतीश और बीजेपी चुनाव लड़ते रहिए, 6 अन्य को दिया गया था, चाहे चिराग पासवान हो या फिर पशुपति पारस। लेकिन अब यह फॉर्मूला ही रहता है या फिर 1-2 सीटों का इसमें दोनों पार्टियां अपने आप में कमी करती है, क्योंकि चिराग पासवान कल की रैली में नहीं आए थे प्रधानमंत्री, हो सकता है कोई दबाव बनाने की राजनीति बना रहे। लेकिन बीजेपी कहना है कि चिराग और पशुपति को दिया जाएगा, हर हाल में उनको मानना ही होगा। ठीक है रविंद्र, अगर बात की जाए बीजेपी के पहले लिस्ट की तो इसमें बड़े पैमाने पर ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। कहीं ना कहीं ये कवायद है कि जो विपक्ष की ओर से जातिगत जनगणना का दांव चला जा रहा है उसकी काट के तौर पर इसे देखा जा सकता है, और महिलाओं को भी काफी प्राथमिकता दी गई है, यानी बीजेपी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो महिला सेंट्रिक रणनीति रही है उस पर फोकस किया गया है। बिल्कुल चंदन, ओबीसी का पार्टी हमेशा से जितनी भी सूचियां कभी भी चुनाव में हो, चाहे विधानसभा हो या फिर लोकसभा, क्योंकि ओबीसी की आबादी भी ज्यादा है, ओबीसी का समीकरण भी ज्यादा होता है, और माइक्रो मैनेजमेंट ओबीसी में भी किया गया है पार्टी के द्वारा, और इसलिए ओबीसी का तादाद आपको ज्यादा दिख रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, दिल्ली में 2 महिलाओं को टिकट दिया गया, बांसुरी हो या फिर शेरावत हो, ऐसे में कहीं ना कहीं आने वाले जो लिस्ट होंगे उसमें महिलाओं की संख्या और बढ़ेगी। हालांकि पार्टी जीतने वाले उम्मीदवारों को ही टिकट दे रही है, प्रतिमा भौमिक को जीतने की संभावना कम थी तो वहां विप्लव देव को उतारा गया है, और मीनाक्षी लेखी के टिकट इसलिए काटा गया कि हो सकता है कि पार्टी मान के चल रही है वहां पर वो जीत नहीं सकती थी, इसलिए वहां पर बासवी स्वराज को दिया गया है। कहीं ना कहीं पार्टी हर को ठोक बजा के ही कर रही है कि मिशन बहुत बड़ा है, 370-400 पार वाला, और इसलिए टिकटों का बंटवारा बेहतर हो। एंट्री कम बेसी जिन सांसदों का उनका टिकट बुरी तरह से काटा जा रहा है, और जैसा कि मैंने कहा 3 दर्जन लगभग सांसदों का टिकट काटा गया है जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री भी हैं। जी रविंद्र, अगर बात की जाए इस लिस्ट की तो क्या लगता है कि इसमें जो केंद्रीय नेता हैं, केंद्रीय टीम है, इसका दबदबा दिखा है या राज्य स्तर पर जो है टिकट फाइनल किए गए हैं, क्या नजर आता है? देखिए, जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है उसके पहले ही कोर कमेटी की बैठक होती है, और हर सीट पर 2 से 3 उम्मीदवारों के नाम लेकर आते हैं स्थानीय कोर कमेटी। उसके बाद जब अमित शाह के साथ बैठक होती है तो 2-2 का लिस्ट होती है, और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उसमें 1 पर मुहर लगती है। तो कहीं ना कहीं ये कवायद निचले स्तर से होती है, और इसलिए जो स्टेट लेवल के लीडर होते हैं जाहिर सी बात है उनका इसमें वर्चस्व तो होता ही है, लेकिन आप देखिए कि चाहे भूपेंद्र यादव हो या सर्बानंद सोनोवाल हो, इन दोनों को टिकट दिया गया है, सिंधिया को गुना से टिकट दिया गया, शिवराज सिंह चौहान को
विदिशा से टिकट दिया गया, तो कद्दावर जो नेता है उनको भी इसमें टिकट दिया गया है, और जो स्थानीय स्तर पर मजबूत है सभी हर तरह के समीकरण में उनको भी टिकट दिया गया है अभी तक की पहली सूची में, और इसमें बड़ी संख्या में टिकट की घोषणा हुई 195 पहले से ही कहा थी कि 150 से 200 सीटें होंगी, लेकिन 200 सीटों की घोषणा कर पार्टी ये दिखा रही है कि हम बहुत आत्मविश्वास से भरे हैं, हम जो 370 का टारगेट है वो पूरा करेंगे, विपक्षी दलों का इंतजार करना है उनका। बिल्कुल रविंद्र, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। Z News.